हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लॉकडाउन हैक्स के बारे में बताऊंगी कि लॉकडाउन होने से कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो हमें हो रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं सब हैक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको हैक्स बताऊंगी। तो मेरा फर्स्ट लॉकडाउन हैक है कि इस लॉकडाउन के चलते आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। जो आजकल ये वायरस फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है, अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, घर में रहेंगे, तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ़ रख पाएंगे। मेरा सेकंड लॉकडाउन हैक है कि अगर आप इस लॉकडाउन के चलते, जो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हमारी स्किन ना तो टैन हो रही है और जो टैनिंग हुई हुई थी वो भी सब रिमूव हो चुकी है। तो ये भी एक हमारी स्किन के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। थर्ड लॉकडाउन है कि इसमें जब हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो जो बाहर का पोल्यूशन था, डर्ट था, सब हमारी स्किन पे जम जाता था, वो भी अब कुछ नहीं हो रहा है और हमारी स्किन ज़्यादा क्लियर लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा ग्लोइंग स्किन लग रही है। मेरा नेक्स्ट है लॉकडाउन है कि इस लॉकडाउन के चलते जो लोग काम पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो सब अब घर में हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। जो पहले कि सुबह जल्दी चल जाते थे, रात को देर से आते थे, बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो टाइम भी नहीं मिल पाता था, बहुत ही कम थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता था। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिता पा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट लॉकडाउन है कि आप इस लॉकडाउन के चलते नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपके मन में आ रहा है, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगे कि हम ये करें, तो वो आप तुरंत ही कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को तुरंत ही ट्राई कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट लॉकडाउन है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हैं। जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स की, आपके पास टाइम है, तो आप एक दूसरे के साथ जब हेल्प करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इस लॉकडाउन के चलते आप अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट लॉकडाउन है कि आप अपनी हॉबी को फिर से जी सकते हैं। जिस हॉबी को आप पहले से दबा चुके थे, दफन कर चुके थे अपने मन के किसी कोने में, तो अब जब आपके पास इतना टाइम है तो आप अपनी उस हॉबी को फिर से जी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए अपनी हॉबी को दोबारा से जीना। किसी की हॉबी होगी डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, राइटिंग, पेंटिंग, कुछ भी होगा, तो आप उसे अपने को दोबारा से जी सकते हैं। नेक्स्ट लॉकडाउन हैक है कि इस लॉकडाउन के चलते आप घर में छोटे छोटे मील सीख सकते हैं बनाने, जैसे कि आजकल हर घर में हो रहा है कि हर कोई कुकिंग कर रहा है, हर कोई नई नई डिश बनाकर सीख रहा है। तो आप भी छोटे छोटे मील्स बनाकर सीख सकते हैं कि जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें बनाएं और खा लें। अगर आप कभी अकेले हैं तो आप उन्हें खा सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए हैं जो बाहर काम पर जाते हैं, जिन्हें कुकिंग इतनी नहीं आती है, तो वो इसे इस लॉकडाउन के चलते अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं कुकिंग में। नेक्स्ट लॉकडाउन हैक है कि इस लॉकडाउन के चलते जब इंसान घर में कैद होकर रह गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो इससे नेचर बहुत ज़्यादा सुंदर होती जा रही है। जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो रही हैं, पेड़ों पर हरियाली छाई हुई है, सब पेड़ खुलकर सांस ले रहे हैं, हर तरफ हरियाली, सुंदरता फैल रही है। कुदरत अपने आप को दोबारा से जीवित कर रही है, पुनर्जीवित कर रही है, सुंदर होती जा रही है। नेक्स्ट लॉकडाउन हैक है कि इससे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता जा रहा है। जो पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर थी, सांस लेने बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, लेकिन अब जो है लॉकडाउन के चलते एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन हो गया है। जो स्मॉग फैक्ट्री वगैरह से निकलती थी वो कुछ नहीं निकल रही है, गाड़ियों का धुआं सब बंद हो चुका है, तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है, तो हमें एक बहुत ही सुंदर वातावरण मिलेगा। मेरा नेक्स्ट लॉकडाउन है क्या कि इससे जो हमारी ओजोन लेयर थी, जो हमारी सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी स्किन की रक्षा करती है, वो भी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब इस लॉकडाउन के चलते वो काफ़ी कुछ रिपेयर हो चुकी है। जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अब नहीं पड़ेंगी, या पड़ेंगी तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा रिपेयर हो रही है ओजोन लेयर। तो ये थे कुछ लॉकडाउन के हैक्स जो बहुत ही अच्छाई में हो रहे हैं।
जिनका बहुत अच्छा हमारी को भी फ़ायदा हो रहा है, हमारी नेचर को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन कौन से ऐसे हैक्स हैं जिनको आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये हैक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं हमारी स्किन के लिए भी और नेचर के लिए भी। आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।